अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर और उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को इस तरह से बना कर रखिए कि चाहे आप जो भी खाएं, जो कुछ भी खाएं, 1.5 से 2.5 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। वो सारी गंदगी जो शरीर के बाहर निकलनी थी वो अब नहीं निकलेंगी, जो कुछ समय के बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा करेंगी। घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। देखिए, अगर आप मानव शरीर को भीतर से जानते, आप खुद ही इस पर गौर करते, बस देखिए कि जब पेट में खाना मौजूद होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है और जब पेट खाली होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप पाएंगे कि आपका शरीर और दिमाग बेहतरीन रूप से काम करते हैं जब पेट खाली होता है। अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की एक खास मात्रा उसमें जा रही है, तो आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा खाने की वजह से शायद आपको आलसपन महसूस न हो, लेकिन आप पाचन की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। भोजन करने के बाद जब पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है। वो बस बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है। और ये इंसानों के लिए भी एक प्राकृतिक जरूरत है। खाने के बाद वो बैठ जाना चाहते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। अब आपको लगता है कि दिन में थोड़ा थोड़ा खाकर आप पूरा दिन एक्टिव रह सकते हैं। आप रह सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर और उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को इस तरह से बना कर रखिए कि चाहे आप जो भी खाएं, जो कुछ भी खाएं, 1.5 से 2.5 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। योग हमेशा इसी चीज पर जोर देता है कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब भूखा होना नहीं। जब ऊर्जा का स्तर नीचे चला जाता है केवल तभी आपको भूख लगती है, नहीं तो आपका पेट खाली ही होना चाहिए। जब पेट खाली होता है, पेट यानी पेट की थैली, भोजन आंत के दूसरे भागों में चला जाना चाहिए। आंत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, वो पाचन नहीं है, वो ऊर्जा को ग्रहण करना है। उसमें ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती, पाचन प्रक्रिया में लगती है। जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधि को कम कर लें। अब अगर सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम कर लेंगे। एक पहलू और है, जब पेट में खाना मौजूद होता है और पाचन प्रक्रिया चल रही होती है तो सफाई तंत्र काम करना लगभग बंद कर देती है। 80% तक उसका काम रुक जाता है। जब मैं सफाई तंत्र कहता हूं तो ये कोशिकाओं के स्तर पर है। शरीर का जो शुद्धिकरण हो रहा है वो लगभग 80% तक रुक जाता है, या यूं कहें कि वो सारी गंदगी जो शरीर के बाहर निकलनी थी वो अब नहीं निकलेंगी, जो कुछ समय के बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा करेंगी। और अगर आप अलग अलग समय पर खाते हैं तो आपकी आंतों की सफाई की प्रणाली असरदार तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि वेस्ट मैटर किसी खास समय पर बड़ी आंत में नहीं आते, ये अलग अलग समय पर आते हैं, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए आपका पेट भी पूरा दिन साफ नहीं रहेगा। पेट साफ न होने का मतलब है आप प्रॉब्लम्स को न्योता दे रहे हैं। आपका पेट हमेशा साफ रहना चाहिए। योग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी पारंपरिक प्रणाली में आप देखेंगे कि अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी सिद्ध वैद्य या किसी के पास भी जाएं तो सबसे पहले वे आपकी सफाई करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स पेट साफ न होने की वजह से हैं। और जिस तरह से लोग आज खा रहे हैं, पेट को साफ रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। मान लीजिए कि आप हमेशा की तरह एक भरपेट भोजन करते हैं, एक भरपूर भोजन, और बीच में या तो हम कुछ न खाएं या अगर हम बहुत एक्टिव हैं तो कुछ फल वगैरह खा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। और लोगों को इसे आजमाना चाहिए, खुद को एक दिन साफ करके उन्हें देखना चाहिए कि कैसा महसूस होता है। अचानक आप अपने भीतर कुछ हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। हर दिन आपको इसी तरह महसूस होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता था।
घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। और भारत में एक कारण ये भी है कि कई तरीकों से मिर्च भारत का मिजाज है, ठीक है। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा है, उसे अलग रख दें। तो घी का महत्व यह है कि यह आहार नली को साफ रखता है। देखिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक जरूरी पहलू यह है कि आपका पेट साफ रहना चाहिए। कि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आपको रात में नींद नहीं आती, क्योंकि इन सभी चीजों के लिए साफ पेट का होना बहुत जरूरी है। तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहां कुछ नहीं चिपकता, वहां कुछ भी लंबे समय तक नहीं ठहरता। आज पेट का कैंसर, आंत का कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इसे पूरी तरह रोक सकते हैं, पर अगर एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन किया जाए तो ये घटना बहुत कम होगी। और घी सही गुणवत्ता का ही होना चाहिए। मुझे नहीं पता आज लोग कौन सा व्यवसायिक घी खा रहे हैं, पर अगर इसे उचित तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण फायदे हैं।